हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं से चुनावों को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद काफी व्यवस्था रखी है, इसलिए इस बार 5 दिनों का दौरा रखा है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत की है तो फीडबैक लिया है। उन्होंने कहा कि चुनावों के लिए किस तरह के प्रत्याशी होने चाहिए, इसके लिए भी मंत्रणा की गई है। सीएम ने देखिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि हमीरपुर के दौरे के दौरान हम प्रत्याशियों को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर दौरे पर पहुंचा हूं और इस दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। सीएम सुक्खू ने कहा कि फिलहाल आने वाले चुनावों को लेकर पार्टी तैयारी कर रखी है। इसी को लेकर कार्यकर्ताओं को भी कहा गया है कि जन जन तक सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाएं। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं काफी व्यस्त रहा। जब कभी भी आता था तो 2 दिन का दौरा बनता था, 1 दिन का दौरा बनता था, लेकिन इस बार मैंने यहाँ 5 दिन का दौरा बनाया और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन सबसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की और फीडबैक लिया कि जो हमारे लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें किस प्रकार के प्रत्याशी होने चाहिए। उस सिलसिले में आज यहाँ हमीरपुर में मैं अपने जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे मुलाकात कर रहा हूँ। 2 दिन मैं हमीरपुर में हूँ, फिर उसके बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में, जैसे कि कल कार्यकर्ता सम्मेलन, फिर उसके बाद नदौन में भी 2 दिन हूँ। पूरा फीडबैक देने के बाद ही हम जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें प्रत्याशियों का चयन करेंगे।